हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रायोरिटी क्यू के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डी क्यू इंटरफेस और एरे डी क्यू के बारे में। एरे डी क्यू क्या है, उसकी फंक्शनलिटीज, उसको हम वर्किंग क्या है, उसकी उसके यूजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेथड्स, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो डी क्यू क्या है, डी क्यू के बारे में हम डिस्कस करें तो डी क्यू का एक अगर फुल फॉर्म देखें, डी क्यू की फुल फॉर्म क्या है, तो डी क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है, जैसे अगर हमारे पास कोई क्यू है, क्यू का मतलब क्या है, जैसे कोई लाइन है। ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम थिएटर जा रहे हैं और वहां पे लाइन लगी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई मेरे पास काफी लंबी लाइन है। जैसे अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हो, कोई जैसे SSC HSC या फिर किसी का भी एग्जाम देने जाते हो, तो कई बार क्या होता है कि ज्यादा लंबी लाइन होने की वजह से वो कह देते हैं आपको कि भाई एक बंदा मेरे से, मतलब दो बंदे बैठ जाते हैं चेकिंग के लिए, कि एक बंदा स्टार्टिंग से आते रहो और एक बंदा लास्ट से आता रहो। ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो डबल एंडेड है, वो स्टार्टिंग से भी एक बंदे को बुला रहा है और लास्ट से भी एक बंदे को बुला रहा है, तो दोनों साइड से एक एक बंदा आ रहा है, इसलिए वो क्या है, डबल एंडेड है। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास जो डी क्यू है वो भी हम ऐसे यूज करेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब हम जावा के अंदर देखते हैं कि हम डबल एंडेड क्यू को हम कैसे यूज कर सकते हैं। डी क्यू इंटरफेस एक्सटेंड द क्यू इंटरफेस, जो हमारे पास डी क्यू इंटरफेस है वो किसको एक्सटेंड करता है, वो क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। ओके, और डी क्यू इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे हमारे, जैसे हम एरे डी क्यू है वो इनहेरिट करेगा। ओके, तो इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, एरे डी क्यू को भी आज ही हम पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। वी कैन रिमूव एंड एड एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्या है, क्यू में हम क्या कर रहे थे, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक एरे है, क्यू है मेरे पास। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं, ऐसे ही मैंने सभी में यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं। ये मेरे पास फ्रंट है और ये मेरे पास रियर है। ओके, तो फ्रंट में मैंने कोई एलिमेंट ऐड कर रखा है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1। ओके, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 2, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, अब ऐसे 3 है 4 5 6 ऐसे ऐड कर रखे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहूं, अगर हम यहाँ पर क्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, तो क्यू में क्या होता है, जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे वो कहां से होगा, वो लास्ट में होगा। ओके, लास्ट में हमारा जो एलिमेंट होगा वो हमेशा लास्ट से एंड में वो ऐड होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फ्रंट में भी ऐड कर सकते हैं और लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पास डी क्यू है। और ऐसे ही हम यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, फ्रंट से भी और एंड से भी। ये हमारे पास एलिमेंट्स ऐड करने के लिए एक मेथड है कि हम इसको दोनों साइड से रिमूव और ऐड कर सकते हैं, हमारे पास एक इंटरफेस है। ओके, तो ये एक बेनिफिट देता है कि हम जल्दी से जल्दी एलिमेंट्स को ऐड कर पाए और जल्दी जल्दी एलिमेंट्स को यहाँ पे रिमूव कर पाए। तो डी क्यू का मतलब यही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको हम डबल एंडेड क्यू भी बोलते हैं। और इससे क्या होगा, जो हमारे ऑपरेशन है उनको हम दोनों साइड से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें देखो एड एलिमेंट यहाँ पे फ्रंट में भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों साइड से हम यहाँ पे रिमूव और ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। एग्जांपल्स, मैं यहाँ पे न्यू क्लास ले लेता हूँ, इक्लिप्स में डी क्यू डेमो के नाम से क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। अभी मेरे पास क्लास आ गई है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डी क्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, डी क्यू जो इंटरफेस है उसको ले लेता हूँ, और यहाँ पे डी क्यू के नाम से ही मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। ये हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस है, तो इसका डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरे डी क्यू की हेल्प लूंगा। तो मैं यहाँ पे इनको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज। एरे डी क्यू को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ऐसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर डी क्यू को भी। डी क्यू जो है वो भी हमारा जावा यूटिल पैकेज के अंदर है, तो दोनों मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं डी क्यू को यहाँ पे यूज करके देखता हूँ, तो इसमें एलिमेंट्स को ऐड कराने के लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे मेथड्स की बात करूं तो मेरे पास वही मेथड्स है, ऐड है, ऑफर है, पुल है। ओके, तो इनको भी हम यूज करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ डी क्यू डॉट ऐड का यूज करता हूँ। मैं ऐड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे 1 दे दिया मैंने। ओके, मैं डी क्यू डॉट अगेन यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। पहले डी क्यू डॉट एड मैथड की हेल्प से मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज यहाँ पे ऐड करा लिए, एलिमेंट्स ऐड करा लिए। अब मैं इनको प्रिंट करके देखता हूँ, तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैसेज भी पास कर देता हूँ, डी क्यू एलिमेंट।
कॉन्केटिनेशन का यूज, और डी क्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं मैं, सेव करके अब रन करूंगा। तो देखो जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल क्यू की हेल्प लेते, नॉर्मल क्यू को यूज करते, तो हम यहाँ पे क्या कर पाते, लास्ट में एलिमेंट ऐड कर पाते। जो मेरे पास यहाँ पे एक एरे है, इसमें जो वन एलिमेंट है, फर्स्ट जो मेरे पास एलिमेंट है, इसमें मैं स्टार्टिंग में कोई वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डी क्यू डॉट एड फर्स्ट का यूज करूंगा। एड फर्स्ट के मैं यहाँ पे जीरो दे देता हूँ, जीरो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और लास्ट में मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। ओके, तो डी क्यू को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, मैं इसको सेव करके रन करूंगा। तो देखो जो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट ऐड करने से पहले, जो मैंने जीरो ऐड किया है, इससे पहले जो मेरे पास एरे वो ये है, वो ये वाली एरे है मेरे पास। ओके, और उसके बाद जीरो ऐड करने के बाद ही मेरे पास जो एरे आया है वो ये है, जो क्यू आई है मेरे पास वो ये है जो मैंने जीरो ऐड किया है। तो जीरो ऐड होती है वो क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक एक आगे शिफ्ट हो गया है। ऐसे ही मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार कॉपी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसकी जगह पे मैं यूज कर लेता हूँ डी क्यू डॉट एड लास्ट। ओके, और मैं सिक्स इसमें ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा। तो देखो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, 1 to 5, देन मेरे पास क्या है 0 to 5, और लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में ऐड कर दी एक वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हुआ 0 to 6 यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसमें पूल का भी यूज कर सकते हो आप। पूल का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो डी क्यू डॉट पूल का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, डी क्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सेव करके अब रन किया। तो क्या हुआ, जो जीरो था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि वो हमारा पीक पे था। अगर हम पीक वैल्यू यहाँ पे चेक करना चाहे, पीक हम कैसे चेक करते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डी क्यू डॉट पीक। ओके, अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा। तो पीक पे अब कौन सी वैल्यू है, जीरो है, तो इसने जीरो यहाँ पे पास किया, तो जीरो ही यहाँ पे रिमूव हो गया। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, जो भी हमारा पीक वैल्यू होती है वही सबसे पहले यहाँ पे रिमूव होती है। ओके, तो ये हमारे पास एक डी क्यू का एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे एरे डी क्यू को यूज करें, तो एरे डी क्यू क्या है, एरे डी क्यू मैं आपको बता देता हूँ पहले। एरे डी क्यू एक क्लास है जो इनहेरिट करती है किसको, डी क्यू इंटरफेस को। ये डी क्यू इंटरफेस को अपने अंदर इनहेरिट करती है, और इसके अंदर काफी फंक्शनलिटीज हैं। जो एरे डी क्यू है वो डी क्यू जो इंटरफेस है उसकी फंक्शनलिटीज को यूज करता है अपने अंदर, और यहाँ पे हम दोनों साइड से एरे को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, फ्रंट से भी और रेयर से भी हम यहाँ पे दोनों साइड से डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को। ओके, और ये इसको कुछ मेथड्स हैं, इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी सेम ही है, जो एरे डी क्यू और जो डी क्यू है दोनों सेम ही है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ऑफर क्या है, ऑफर फर्स्ट क्या है, लास्ट क्या है। ओके, इनको भी हम यूज करके देख लेते हैं। मैं न्यू क्लास एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर एरे डी क्यू डेमो के नाम से क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। अब ये मेरे पास क्लास आ चुकी है, मैं यहाँ पे कंसोल को हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एरे डी क्यू का यूज करना है, तो एरे डी क्यू को हम यहाँ पे ले लेते हैं। एरे डी क्यू ले लिया मैंने, यहाँ पे आप डाटा टाइप पास करना चाहते हो तो डाटा टाइप भी आप पास कर सकते हो। एडी के नाम से मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्लास है तो हम इसका डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ये है, तो मैं इसको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ एरे डी क्यू को। एरे डी क्यू को मैंने इम्पोर्ट कर लिया, अब मैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करके देखता हूँ। एडी डॉट मैं यहाँ पे ऑफर का यूज करता हूँ, ऐड हमने कर लिया है, ऐड जो मेथड है उसका यूज हमने कर लिया। मैं यहाँ पे ऑफर का यूज करता हूँ, ऑफर के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, पहले 1 ले लेता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज और ऐड कर लेता हूँ, ये 4 एलिमेंट्स मैंने इसमें ऐड करा लिए है। ऐड कराने के बाद अब क्या होगा, देखो इसमें मैंने 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर ऐड करा दिए। ऑफर और ऐड के बीच में डिफरेंस बताता हूँ सबसे पहले आपको। ऑफर जो होता है, ऑफर क्या करेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐड का यूज करता हूँ, अगर कोई एक्सेप्शन मेरे पास यहाँ पे आती है, एक्सेप्शन आती है, तो क्या होगा, वो एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑफर में क्या हो रहा है, ऑफर हम कर रहे हैं, मतलब ऑफर कर रहे हैं इस क्यू को कि भाई ये एलिमेंट ले लो, अगर नहीं लेना तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, वो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो ऑफर और एड में ये डिफरेंस है कि एड में हमारे एक्सेप्शन आएगी, और अगर ऑफर का यूज करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगी हमारे पास। ओके, अगर एलिमेंट को ऐड कराएगा तो कर लेगा, नहीं कराएगा तो उसको मतलब नेगलेक्ट कर देगा। तो ये हमारे पास ऑफर और ऐड के बीच में डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे ऑफर का यूज किया है। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैं एडी को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, सेव करके रन किया मैंने। तो रन करते ही मेरे पास जो एरे है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एडी डॉट ऑफर फर्स्ट का यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं जीरो ले लेता हूँ,
ओके जीरो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली। ऐसे मैं क्या करता हूँ, एडी डॉट ऑफर लास्ट का यूज कर लेता हूँ और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ 5। और अब इसको प्रिंट करके देखता हूँ, सेव करके अब रन किया मैंने, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। अब इसको सेव करके रन किया तो देखो स्टार्टिंग में मेरे पास 0 इसमें ऐड हो चुका है, लास्ट में मेरे पास 5 इसमें ऐड हो चुका है। ओके तो ये हमारे पास एरे डीक्यू है। एरे डीक्यू के अंदर हम कुछ मेथड्स को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एडी डॉट साइज का भी यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे साइज मेथड भी है। तो सेव करके अब रन करूंगा तो 6 यहाँ पे साइज आ चुका है। ये एक यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे एरे लेते हैं तो वहां पे एक कैपेसिटी की बाउंडेशन होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम यहाँ पे साइज कुछ कैपेसिटी का कोई रिस्ट्रिक्शन है। ओके यहाँ पे हम कितना भी साइज ले सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पीक मैं आपको बता चुका हूँ, साइज मैं आपको बता चुका हूँ, और मेथड से देखो रिमूव है, रिमूव भी यही करेगा, पुल भी यही करेगा, पुल और रिमूव दोनों एक ही है। ओके रिमूव और पुल भी मैं आपको बता चुका हूँ, एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ एलिमेंट क्या करेगा। एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एडी डॉट एलिमेंट का यूज करता हूं मैं। अब इसको सेव करके रन करूंगा तो एलिमेंट क्या करेगा, जो मेरा हेड एलिमेंट रहेगा, हेड एलिमेंट मतलब जो सबसे फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट रहेगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके जो हमारा पीक मेथड है उसकी तरह ये वर्क करता है। ओके और पुल, और पुल लास्ट मैं ये भी आपको बता चुका हूँ, पुल फर्स्ट और पुल लास्ट क्या करेगा, ये फर्स्ट और लास्ट से एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। ऑफर फर्स्ट लास्ट ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक एग्जांपल है। तो एरे डीक्यू और डीक्यू का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो डीक्यू और एरे डीक्यू का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने पढ़ा है कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे जावा इनको यूज करता है। ओके और इनके मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा है, और इनके कुछ एग्जांपल्स हमने करके देखे कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं जावा के अंदर, और इनको कैसे हम प्रोग्राम के थ्रू यूज कर सकते हैं। ओके तो आज की वीडियो में हमने इतना जाना है, आज की वीडियो इतनी है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सेट इंटरफेस को स्टार्ट करेंगे, सेट इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ज्वाइन करना हमारा बैच तो जल्दी जल्दी मेरे को इन्फॉर्म करो, और जल्दी जल्दी अपनी सीट को एनरोल करा लो। ओके और मेरी वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पेजेस को फॉलो करो। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।